हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एप्पल के आईपैड एयर 4 के बारे में। तो ये वाला आईपैड अभी इसी साल अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, तो किसी भी आउटलेट में मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से इसको परचेज़ किया है। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 54,900 रुपये। और इसके साथ मैंने एप्पल की सेकेंड जनरेशन की पेंसिल भी परचेज़ की है, क्योंकि वही इसके साथ कंपैटिबल है। फर्स्ट जनरेशन की पेंसिल इसके साथ कंपैटिबल नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा क्या कुछ परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर A14 बायोनिक चिपसेट भी लगाया गया है, जो कि एप्पल की तरफ से लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले मैं आईपैड 9.7 इंच जो आता है 34 GB में, मेरा आईपैड मैं यूज़ कर रहा था पिछले 3 साल से, 5th जनरेशन, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा पुराना मॉडल हो चुका है, तो फिर इसकी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, क्योंकि वो ज़्यादा पुराना हो गया था और उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो ही हो गई थी। तो फिर आई होप कि एप्पल ने इसके अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर की होगी। तो फिर चलिए इसको देखते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस इसकी बेटर हुई है। एंड गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू माई चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 7 अल्फ़ाबेट्स। ये आईपैड आपको 5 कलर्स में अवेलेबल है, और मैंने मंगाया है इसका ब्लू कलर। बाकी ये कलर्स हैं जैसे कि ग्रीन, सिल्वर, ग्रे और रोज गोल्ड। सो पैकेजिंग तो एप्पल हमेशा टॉप नॉच ही करता है, और आईपैड एयर में आपको हल्का सा एक टिंट ब्लू कलर का भी देखने को मिलेगा। और ये वर्जन है 64 GB का, जो कि वाईफाई के साथ काम करेगा। इसके साथ एक दूसरा वर्जन और भी आता है, जिसमें आपको वाईफाई प्लस सेलुलर का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब इसके रैपर को पील करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। सो जैसे ही हम बॉक्स को खोलेंगे, तो सबसे ऊपर हमें मिलेगा आईपैड। तो इसके अंदर जैसे कि टिपिकल पैकेजिंग दी गई है रैपर की, जो कि सारे एप्पल प्रोडक्ट्स में मिलती ही है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे लगा है, वो मुझे ये पता नहीं क्यों ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है। इससे ज़्यादा हैवी पता नहीं 9.7 इंच वाला मुझे जब मैं यूज़ करता था तो लगता था। तो वेट डाइवर्जन मेरे हिसाब से एप्पल ने इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छा दिया है। साथ में ही हमें कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, जिसके अंदर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ एप्पल के स्टिकर्स हैं जो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा हमें क्या मिलेगा। सो यहाँ पे मिलेगा हमें एक 20 वोल्ट का चार्जर। सो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। सो आईपैड को चार्ज करने के लिए तो यार मतलब फास्ट चार्जिंग ही लगेगी। और इसके साथ है टाइप सी की लाइटनिंग केबल। सो ये आईपैड सपोर्ट करता है टाइप सी को। जो मैं पहले आईपैड यूज़ करता था, वो टिपिकल जो पिन वाला चार्जर होता है आईपैड का, सो वो वाला उसमें था। सो ये आईपैड यूज़ करता है टाइप सी को। तो चलिए इसके रैपर को जल्दी से हटाते हैं और देखते हैं कि फिट एंड फिनिश और कलर का कम्बिनेशन कैसा हमें इसके अंदर मिलेगा। तो जैसा कि आप शेप से ही देख रहे हो कि ये आईपैड बिल्कुल एक स्क्वायरिश शेप में आपको मिलेगा। और इसका कलर ये ब्लू वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने ग्रीन वाला कलर भी इसका रियल में देखा हुआ है, वो थोड़ा सा ज़्यादा फंकी और थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर है। तो साइड में देख लेते हैं, जैसे कि आपको वॉल्यूम के लिए बटन्स मिलेंगे, और ऊपर की साइड आपको मिलेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि लॉक अनलॉक बटन भी है। उसके साथ ही आपको मिलेंगे स्पीकर्स। तो इस आईपैड की बैक साइड में आपको मैग्नेटिक सपोर्ट भी मिलेगा, तो आप अपने मैजिक कीबोर्ड को खरीद के आप इसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। और इसके अंदर आपको कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का। सो चलिए जल्दी से इसको स्टार्टअप कर लेते हैं और सेटअप कर लेते हैं आईपैड को। सो चलिए इसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। और ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो इसके अंदर फिल करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास पहले से ही कोई एप्पल आईडी है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका सारा पिछले आईपैड का या आईफोन का जो कुछ भी डाटा होगा वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। सो चलिए मैं ये जल्दी से ये सेटअप कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ।
सो चलिए जल्दी से इसकी टच आईडी सेटअप कर लेते हैं। सो ये पहली बार है कि मैं मतलब फिंगर से कोई टच आईडी ट्राई करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जैसे कि फ़ोन या पिछले वाले आईपैड में भी थंब इम्प्रेशन से टच आईडी सेटअप होती थी। सो आप एक से ज़्यादा भी फिंगर इसके अंदर आप टच आईडी में डाल सकते हो। सो चलिए इसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। तो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और इसको डिफ़ॉल्ट पे ही कंटिन्यू कर देता हूँ और वेलकम टू आईपैड गेट स्टार्टेड। सो जो कि पहला डिफरेंस मैं फील कर रहा हूँ वो इसकी स्क्रीन क्वालिटी में मुझे साफ साफ डिफरेंस फील हो रहा है। सो ये आईपैड आता है रेटिना लिक्विड डिस्प्ले के साथ और जैसे कि आप स्मूथनेस भी देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि इसके अंदर आपको A14 बायोनिक चिपसेट मिलेगा। तो चलिए इसकी सेटिंग्स देखते हैं। और ये आईपैड जैसे कि 64 GB में ही आता है, 34 GB का कोई वेरिएंट इसके अंदर नहीं आता है। सो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी खाली स्पेस आपको मिलेगी यूज़ करने के लिए। सो चलिए आईपैड स्टोरेज देखते हैं और इसके अंदर 12.9 GB यूज्ड ऑलरेडी हो चुकी है ऐप्स के अंदर। सो बाकी की स्पेस आप यूज़ कर सकते हो और मेरे हिसाब से काफ़ी स्पेस है जिसके अंदर आप स्केच या कुछ गेम्स या कुछ डाटा डालोगे। सो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है। इसके अंदर मैं कोई गेम कंपैरिजन या कोई कैमरा सेटअप नहीं करके दिखा रहा हूँ। सो उसके लिए मैं सेपरेट से अलग से एक वीडियो डाल दूंगा इसको यूज़ करने के बाद। तो चलिए अब जल्दी से पेंसिल को भी अनबॉक्स कर लेते हैं और पेयर करके देखेंगे आईपैड के साथ कि कैसा वर्क करती है। और ये पेंसिल मुझे पड़ी है 10,900 रुपये की। तो चलिए इसको जल्दी से खोलते हैं और आईपैड के साथ पेयर करके देखते हैं। सो सबसे ऊपर आपको मिलेगी कुछ डॉक्यूमेंटेशन। सो ये वाली पेंसिल आपका आईपैड एयर और आईपैड प्रो के साथ, दोनों के साथ आपको ये पेंसिल काम करेगी। तो चलिए इस डॉक्यूमेंटेशन को साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि कैसी पेंसिल है। सो जो डिज़ाइन है इस पेंसिल का वो जो बिल्कुल अप्सरा पेंसिल पहले आती थी उसके जैसा ही है। सो जैसे कि आप इसको हाथ में होल्ड करोगे तो ऊपर आपको मिलेगा एप्पल पेंसिल की ब्रांडिंग दी गई है और लाइट वेट है ये पेंसिल और इसके ऊपर निब है और ये निब आपको कुछ टाइम के बाद रिप्लेस भी करनी पड़ सकती है, आपके यूजेज के ऊपर है। इस पेंसिल को पेयर करने के लिए आपको जस्ट अपने आईपैड के ऊपर इसको रखना है। सो चलिए जल्दी से अनलॉक कर लेते हैं और इसको सीधा आईपैड के ऊपर प्लेस करते हैं, क्योंकि दोनों में ही मैग्नेटिक सपोर्ट है। सो आप सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आपको कहीं एक्स्ट्रा नहीं रखना पड़ेगा। सो आप इसको जस्ट अपने आईपैड के ऊपर प्लेस कर दीजिए। सो जैसे ही आप इसको इसके ऊपर प्लेस करोगे तो ये तभी डिटेक्ट हो जाएगी, वेलकम टू एप्पल पेंसिल। सो चलिए इसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और फिर मैं आपको कुछ लिख के भी दिखाऊंगा इसके ऊपर। सो इसके अंदर ये एक अच्छा फीचर है कि अगर आप नोटपैड या अपना कुछ राइटिंग का स्टफ भी लिखते हो सो वो आपको सीधा ही डिटेक्ट होके इन वर्ड मिल जाएगा। और जैसे कि आप इसको डबल टैप करोगे तो ये सेम टाइम पे इरेजर बन जाएगा और अगर आप इसको डबल टैप करोगे तो ये आपका पेन की तरह काम करेगा। सो आपको बार बार स्केचबुक में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि इरेज़र या फिर पेन, तो आप इसको डबल टैप की यूज़ से सीधा यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।